चलिए भी रुक कर लेते हैं कोरोना वायरस की ओर। आखिरकार कोरोना वायरस का राजस्थान में अभी क्या कुछ हाल बना हुआ है? आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर अब हाल फिलहाल बातचीत करें कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस के केसों में अभी कमी देखने को मिल रही है। कमी इस कदर तक देखने को मिल रही है कि आंकड़ों में आप बता दें कि 5,402 पिछले 24 घंटे के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर नए केस सामने आए थे। और वहीं इसी बीच एक दुखद खबर ये सामने आई है कि जोधपुर के अंदर इसका प्रकोप ज्यादा देखने को मिला है। जोधपुर के लूणी तहसील के अंतर्गत एक विद्यालय के अंतर्गत लगभग 24 बच्चे एक साथ संक्रमित होने पाए गए हैं, और इसी से पूरे जोधपुर के लूणी तहसील के अंदर अभी कोरोना महामारी को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। क्या कुछ कोरोना महामारी के अंदर अपडेट सामने आई है, राजस्थान में कहां कहां पर कितने केस हैं, क्या मौतों का आंकड़ा चल रहा है, इन सभी की तमाम जानकारी सीधा दिखाऊंगा आप सभी को हमारी इस रिपोर्ट में। राजस्थान में कोरोना के केस में कमी आती जा रही है। राज्य में शनिवार को 5,602 केस मिले हैं, जबकि 19 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। वहीं राज्य में 9,309 मरीज रिकवर हुए हैं, जिसके बाद में एक्टिव केस की संख्या कम होकर के 51,143 पर पहुंच गई। राज्य में पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो अभी 12% से कम रही है। चिंता की बात तो यह है कि जोधपुर के एक सरकारी स्कूल में 24 बच्चे संक्रमित मिले हैं। जोधपुर के लूणी तहसील के बोरा नाड़ा क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल के 24 बच्चे एक साथ संक्रमित मिले हैं। एक ही स्कूल के इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के संक्रमित होने के बाद में हड़कंप मच गया। अब एहतियात के तौर पर स्कूल के पूरे स्टाफ व बच्चों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक सबसे ज़्यादा 916 केस जयपुर में मिले, तो वहीं 6 मरीजों की इसमें मौत भी हो गई है। जयपुर में पॉजिटिविटी रेट 10% से कम बनी हुई है। तो जयपुर के अलावा जोधपुर में 615, अलवर में 465, उदयपुर में 341, गंगानगर में 311, भीलवाड़ा में 257 और अजमेर के अंदर 203 केस मिले हैं। जयपुर के अलावा सिरोही में 3, सीकर बीकानेर में 2-2 और जोधपुर उदयपुर भीलवाड़ा पाली बाड़मेर करौली में 1-1 मरीजों की मौत भी हुई। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।